स्टार डी न्यूज। प्रभात पहली बार मुझे मिला है और वर्तमान जो महीना है इसमें हम लोगों ने एक एक्शन प्लान करके इसको लागू किया हुआ है और हम लोग कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन और प्रतिज्ञा मिल करके ये जन संवाद का कार्यक्रम जो है 10 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के 10 डिस्ट्रिक्ट में चला रही है। इस जन संवाद का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे जिनको दुर्व्यवहार के अंतर्गत जैसे बाल मजदूरी या फिर उनको अगवा करके या फिर उनको झांसा दे करके दूसरे जगह पर ले जाते हैं, उनको काम करवाते हैं, और जिन बच्चों का उम्र 14 साल से कम है, जिनको स्कूल जाने का अधिकार है, कायदे से उन्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो अपने घर से बिछड़ करके कहीं दूसरे जगह जा करके बाल मजदूरी में फंस जाते हैं, तो वैसे कुछ परिवार जो अपने बच्चों को वापस लाना चाहते हैं लेकिन वो ला नहीं पा रहे हैं, तो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की एक पहल है कि उन्होंने इसके लिए एक सेल बनाया है, एक सेल का गठन किया है जो कि लीगल से लेकर फिनेंशियल एड सारे तरह की सुविधा दे करके उस बच्चे को वहां से रेस्क्यू कराएगी और उसको वापस अपने घर वालों से मिलाने में मदद करेगी। देखिए, अगर हम ट्रैफिकिंग का बात करें, पर्टिकुलर ट्रैफिकिंग का ही बात करें, तो इसमें अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है, झारखंड का स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि झारखंड का जो ट्रैफिकिंग है वो मूल्य एकदम बेसिकली चाइल्ड लेबर बेसी ट्रैफिकिंग होता है। तो ये आप लोग जानते ही हैं कि एक हाउसमेट या काम करने वाली बच्चा बच्ची का कितना चाहिदा हम लोग अपने शहर में होता है, तो अपने शहर के बच्चों का बाहर कितना ज़्यादा डिमांड हो सकता है। और जितने भी मतलब हम झारखंड का बात अगर करने जाए तो मेरा पर्टिकुलर यही ओपिनियन है, अपना सजेशन भी ये रहेगा कि झारखंड में हम जितना दिन भी काम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि झारखंड के इंसान जो भी है बेसिकली ये लोग बहुत इनोसेंट होते हैं बाय नेचर। और इंटीरियर में जितने भी गाँव हैं, सरकारी जितना योजना है अभी तक गाँव में नहीं पहुँच पाया। अगर सरकारी योजना से हम बच्चे को और बच्चे के परिवार को ठीक से जोड़ पाए तो शायद इसको हम थोड़ा सा कम कर पाए, लेकिन ये योजनाएं मतलब सरकारी योजनाएं तो इतनी हैं कि जो हम लोग उंगली में गिन के खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक भी योजना का जो लाभ है वो हमारे गांव के बच्चे या बच्चे के पेरेंट्स तक हम लोग नहीं पहुंचा पाते, जिसके शिकार होते हैं कि बच्चे ट्रैफिक्ड होते हैं मेनली गरीबी के कारण और मेनली इनकम पर्पज से। लैक ऑफ एडुकेशन भी है और बहुत सारे सरकारी स्टेक होल्डर है, सरकारी फोरम है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जनसंवाद की बात आप कहें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कैलाश सत्यार्थी जी का जो बचपन बचाओ आंदोलन है ये बहुत दिन से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और ये बहुत डेडिकेशन के साथ ये काम करते आते हैं। इनके मदद से हम बहुत सारे बच्चे को रेस्क्यू करते हैं। झारखंड के बच्चे, ये बहुत दुखदायक है कि ना कि केवल दिल्ली, पहले हम लोग सोचते थे कि बच्चा ट्रैफिक्ड हो गया मतलब दिल्ली, एक जो लोग को सेक्शन या एक्ट के बारे में नॉलेज भी नहीं है वो लोग बहुत आसानी से यही बात बोलते थे दिल्ली केस मतलब एकदम आपको आँख बंद करके समझना पड़ेगा कि ट्रैफिकिंग केस। लेकिन आज ये सच्चाई है कि डेस्टिनेशन सिर्फ दिल्ली नहीं है, हमारे झारखंड के बच्चे आसाम में हैं, मणिपुर में हैं, त्रिपुरा में हैं, वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी खास करके कुछ एरिया में बहुत सारे बच्चे पाए जा रहे हैं। तो ये ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हम लोग जितने जो फोरम बना हुआ है वो हो जाने के बाद बहुत सारा काम है, प्रोसेस है, वो करते हैं। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़।